हे गाइस, माय नेम इज वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट रनिंग एकेडमी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या रियली सीएसआईआर का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से इस पर बात करनी चाहिए कि सीएसआईआर पोस्टपोन हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है। काफ़ी आप परेशान चल रहे हैं कि क्या सच में सीएसआईआर पोस्टपोन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप लोग जुड़े हुए स्मार्ट लर्निंग एकेडमी चैनल के साथ, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। जैसा कि मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हम लोग डेली एक आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। डेली एक वीडियो आपके साथ आती है सुबह 10 बजे, टाइम है 10 बजे। आप चैनल पे अगर आप जाके देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये पिछले 10 दिनों से स्टार्ट है और ऑलमोस्ट ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो पूरे उसमें ऑलमोस्ट 800 लेक्चर्स हैं, 800 सेशंस हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ डे बाई डे आती रहेंगी। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर टेस्ट सीरीज, फॉर मोर क्रैश कोर्सेज, फॉर मोर PYQ सॉल्यूशंस एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। चलिए, सो बात ये करते हैं कि CSIR रियली पोस्टपोन है, हुआ है कि नहीं हुआ है। सो यहाँ पे कई सारे लोग जो है एजम्पशंस लगा रहे हैं इस चीज़ के लिए कि क्योंकि CSIR ने जो डेट हटा दिए हैं, या आप कह सकते हो कि वहाँ पे जो डेट मेंशन थे वो अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं आपको बता दूँ कि CSIR अगर पोस्टपोन होता भी है, ठीक है, अभी उन्होंने एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं किया है, तो आप कंफर्म के साथ ये चीज़ नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली डेट जो है पोस्टपोन हो गया है। ये चीज़ें देखने के उन्होंने ये डेट हटाने का सीधा सा फंडा ये है कि अभी कुछ कंफर्म नहीं है। जो सर्कमस्टेंसेस कोरोना आउटब्रेक का चल रहा है या पैंडेमिक जो चल रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कि यार आगे कितना बढ़ रहा है, कितनी नई चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट जिस तरीके से अपने लॉकडाउन को ओपन कर रही है, तो और उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि CBSE ने भी बोला, ITJEE ने भी बोला कि ऑलमोस्ट 1 जुलाई अब आपके फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एग्जाम्स होंगे, उसके बाद थर्ड वीक ऑफ जुलाई में कई सारे नीट और डेट्स आपके आए होंगे। देखा होगा आपने कि जुलाई में बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाने वाले हैं। तो मैं आपको यही बता दूं कि जो 21 जून है, अगर डेट पोस्टपोन होगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 15 दिन या कुछ इसी तरीके से चेंज होगा, अगर होगा तब, ठीक है। ये अभी पूरा कंफर्म नहीं है कि होगा ही, क्योंकि ज़्यादातर लॉकडाउन्स में चीज़ें अब धीरे धीरे ओपन हो रही हैं और एग्ज़ाम ऑलरेडी 21 जून के करीब है, मतलब जुलाई के करीब है, ठीक है। तो मे भी उसी डेट पे भी हो सकता है अगर चीज़ें जो हैं वो सही रही तो, और पोस्टपोन भी होगा तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा कि आपको पता लगा जून से वो दिसंबर या आप कह दो अगस्त सेप्टेम्बर में चला जाए। नो, इज पॉसिबल ही नहीं है कि वो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे वो मैक्सिमम जुलाई में कंडक्ट कर लिए जाएंगे, क्योंकि अगले सेशन का भी चीज़ों को स्टार्ट करना है CSIR को। तो फॉर्म से लेके बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इवन इस सेशन के रिजल्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये तो एक जनरल व्यूज़ हैं जो बाकी लोग लग रहे हैं, ये पूरा कन्फर्म नहीं हुआ है कि CSIR पोस्टपोन हुआ है। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये भी बता दूँ कि अगर CSIR पोस्टपोन होगा भी तो बिना पढ़े तो CSIR क्वालिफाई नहीं हो जाएगा, ठीक है। पढ़ना तो तब भी पड़ेगा, चाहे आप अभी भी पढ़ रहे हो चाहे बाद में पढ़ रहे हो। अगर आपको 10 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, 15 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, तो अगर आप 3 महीने और 6 महीने में कुछ एफर्ट नहीं किए तो 15 दिन में कुछ उखाड़ नहीं लोगे, ठीक है। उसमें करना क्या होगा कि इसीलिए मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, इन सब चीज़ों पर परेशान होने की कि डेट पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है परेशान होने के बजाय। अगर पोस्टपोन हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कहते हैं जग जीत लोगे, महाभारत जीत लोगे, ठीक है। 10 दिन में कुछ नहीं होने वाला, 15 दिन में कुछ नहीं होने वाले, या 15 दिन में, और जो भी है पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रैदर फोकस ऑन दीज थिंग्स की डेट पोस्टपोन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो आप लोगों के साथ मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा, मैं इसलिए इस वीडियो में आप लोगों के साथ आया कि आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे कि हम क्या करें एग्जैक्टली, क्या रियली पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, क्या करना चाहिए। तो गाइस, सिंपल पढ़ाई करो, जब एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा क्या डेट आएगी क्या नहीं आएगी वो आपको पता चल जाएगा। और अल्टीमेटली याद रखना कि CSIR क्वालिफाई पोस्टपोन या इन सब चीज़ों से नहीं होगा, वो आपके मेहनत से होगा। आपको 15 दिन ज़्यादा मिल भी जाए तो भी ज़्यादा आप कुछ नहीं कर लोगे। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आप देखे होंगे कि जो एग्ज़ाम कंटिन्यू चलते रहते हैं, आप रात भर पढ़ के अच्छा कर जाते हैं, लेकिन जिस एग्ज़ाम में 4 दिन का गैप मिल जाता है ना, वो और भी गुड़गोबर हो जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ भी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि 21 को फाइनल डेट मान के उस दिन तक ऐसी तैयारी कर
कर लो कि अगर 10 दिन एक्स्ट्रा मिले तो आपका कुछ लॉस ना हो, इवन फायदा हो, लेकिन आप इस उम्मीद से बैठे रहोगे कि नहीं एक्सटेंड होगा तभी हम तैयारी करेंगे, या एक्सटेंड होगा तो चलो स्लो चलते हैं या आराम से एकदम मस्ती करते हैं, नो, प्रिपरेशन को अपने पीक पे ले जाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो और फोड़ दो CSIR को। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पढ़ने पे फोकस करना है, डू द स्टडी प्रैक्टिस एंड रिकॉल। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू वॉन्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि वो भी परेशान ना हो। थैंक यू सो मच।